परसीव एक क्रिया है इंग्लिश में, और परसीव का मतलब देखना है ना, देखना। परसीव या देखना मतलब समझना, देखना, ये सारी चीजें हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से होता है। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, खुशबू लेते हैं, स्वाद लेते हैं, चुभकर महसूस करते हैं, ये सब हमारे फाइव फिजिकल सेंसेस के माध्यम से हम संसार को अनुभव करते हैं, है ना, परसेप्शन। अब इन पांचों इंद्रियों से रिलेटेड इंग्लिश में बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं। उनमें से कुछ वर्ब्स लिंक वर्ब्स हो जाती हैं और बाकी वर्ब्स या तो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाते हैं। क्योंकि अपन एक्टिव पैसिव कर रखा है, उनको पता है जो पैसिव बना देता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है ना। और लिंक वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद कोई पद आ जाए या कोई क्वालिटी आ जाए। अभी अपन ने इतने सेंटेंसेस देखे इज़ एम वाज़ वर्ब के बाद एडजेक्टिव, तो वो वर्ब जो है बीच में वो लिंक वर्ब कहलाने लगता है। ठीक है, अब देखो हिंदी में देखना, देखना और दिखाई पड़ना और देखना, इसमें अंतर है। मैं दीवार को देख रही हूं, मैं दीवार को देख रही हूं, फिर ये सी जो भी है। अब एक गुलाब का फूल है, अच्छा दिख रहा है, वो सुंदर दिखाई पड़, देखने वाले हो रहे गुलाब का फूल, ये रहे ये रहा गुलाब का फूल, सुंदर दिखाई पड़ता है। गुलाब का फूल देख नहीं रहा, गुलाब का फूल खुद दिख रहा है ना। अगर अपन खाना बाहर रखते, फ्रिज में रखना भूल गए, मेहनत से बनाया था शाम को रात को, रखना भूल गए, अब अगले दिन सुबह अपन देखते तो अपने को समझ में नहीं आता कि इसका क्या फेंकना है, इसको रख सकते हैं, खाया जा सकता है, फेंका जा सकता है, फेंकना पड़ेगा, क्या है। हम उस स्मेल से पता चल जाता है, हम उस चीज को स्मेल करते हैं, बाहर जा रहा एक्शन। और दूसरा कई बार होता है ना, सर्दी के लोग मोजे पहन के आते हैं, वो मोजे इतने गंदे स्मेल देते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो वो मोजा किसी चीज की खुशबू ले नहीं रहा, मोजा एक पर्टिकुलर खुशबू को, मैं सॉरी बदबू को तो भी उसको रखता है, उसको रखता है, कोई और को उस स्मेल पता चलती है। तो द पेयर ऑफ सॉक्स स्मेल्स बैड, अब वो सूंघ नहीं रहा, बट आई स्मेल्ट द फूड, एक्शन बाहर की तरफ जा रहा है। और जब लिंक हुआ होता है तो एक्शन लौट कर चीज के पास पास आ जाती है। Your idea sounds good, sir ji. Your idea sounds good. सुनाई पड़ता है, बढ़िया सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ रहा है, लिंक हुआ।